दोस्तों, अभी अभी चांद से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 140 करोड़ भारतीयों को बड़ी खुशखबरी दी है। 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं लग गई हैं प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को लेकर। एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनने के बाद हर भारतीय खुशी से झूम उठेंगे। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कुछ ऐसा किया है जो कि सभी को हैरानी में डाल दिया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, जो चांद के साउथ पोल पर जाकर 10 दिन लगातार काम किया, उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने उसे स्लीप मोड में डाल दिया। स्लीप मोड में डालने के बाद पूरी दुनिया 14 दिनों तक इंतजार किया, और 14 दिन जैसे ही बीत गया, वैसे ही इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को फिर से जागने की कोशिश कर रहे थे। इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज हो रही थीं, साथ ही साथ 140 करोड़ भारतीय ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से जाग जाए, फिर से सिग्नल इसरो को भेज दें। आपको बता दें, जब इसरो के वैज्ञानिक 22 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो दोस्तों 22 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिक नाकाम रहे। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 22 सितंबर को नहीं जाग सका। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अगले दिन 23 सितंबर को भी सेम उसी तरह इस प्रक्रिया से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की कोशिश किया, फिर भी वह नाकाम रहे। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे, निराश हो गए थे। वैज्ञानिकों का यह भी कहना था कि हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद की सतह पर फिर से जाग जाए, और ऐसा भी हो सकता था कि ना भी जागे, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक दो दिन समाप्त कर चुके थे। 22 और 23 सितंबर उनके पास सिर्फ बचा था। 12 दिन उसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिक 2-3 दिन और लगे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें नाकामी ही मिली। लेकिन अभी अभी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को लेकर ऐसी खबर आ रही है जो कि 840 करोड़ भारतीयों को खुशी से पागल कर देगी। हर भारतीय को भारतीय होने पर गर्व होगा। चंद्रयान 3 पर सभी को गर्व होने वाला है। अभी अभी इसरो की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, इसी जानकारी को सुनने के लिए 140 करोड़ भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। जो अपडेट अभी आ रही है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि चांद से जो यह खबर आ रही है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर, जो खबर आ रही है यह चंद्रयान 2 के माध्यम से मिल रही है। चंद्रयान 2 ने बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रयान 2 ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की ऐसी अपडेट इसरो को दी है जिसको सुनने के बाद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। आपको बता दें, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा TFSAR ने ऐसी हलचल प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में रिकॉर्ड किया है, जो कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के जिंदा होने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इसरो के वैज्ञानिकों को एक तस्वीर भी भेजी है। इस तस्वीर को देखने के बाद पता चल रहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद की सतह से थोड़ा नीचे है, यानी एक गड्ढे में है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक जो सिग्नल भेज रहे थे, बराबर सिग्नल प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर तक नहीं पहुंच रहा था। बताया जा रहा है कि अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर सतह पर होता, तो अभी तक प्रज्ञान रोवर बहुत पहले ही जाग गया होता। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे रडार ने एक जानकारी इसरो को दी है। पता चला है कि इस समय चांद पर टेम्परेचर उतना ही आ गया है जितना पहले, जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर काम कर रहा था, उतना ही टेम्परेचर पहुंच चुका है चांद पर, यानी आज से 15 दिन पहले। चांद पर जितना टेम्परेचर था, आज उतना टेम्परेचर चांद पर पहुंच गया है, और यह हरी झंडी है। यह साबित करता है कि अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जिंदा होकर उठ जाएगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसरो के वैज्ञानिक इसी टेम्परेचर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर का यह ऐसा लेवल है जिस पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट के सारे डिवाइस वर्क कर सकते हैं। सिग्नल भेजने पर स्पेसक्राफ्ट जिंदा भी आसानी से हो सकता है, इसीलिए अब 100% बताया जा रहा है।
अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जरूर जाग जाएंगे। साथ ही साथ इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 का भी हेल्प लेने वाले हैं। चंद्रयान 2 के माध्यम से विक्रम लैंडर को जिंदा किया जाएगा। अभी तक डायरेक्ट पृथ्वी से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजा जा रहा था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिक अपने रिसर्च सेंटर से सीधा चंद्रयान 2 से कनेक्ट होंगे और चंद्रयान 2 के माध्यम से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि स्ट्रांग कनेक्टिविटी बन जाएगी और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जिंदा होने की जो पॉसिबिलिटी है वह 100% हो जाएगी। इसके अलावा इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी बताया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह हमारे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसा रूस चीन के साथ भी हो चुका है। इसके बावजूद भी रूस और चीन के रोवर फिर से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस द्वारा भेजा गया लुनोखोद 1 नामक रोवर चांद पर गया हुआ था, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह भी जब चांद पर रात हुई थी तो इसके भी सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए थे। रूस ने अथक प्रयास करने के बाद पहले राउंड में इसे जिंदा करने में नाकाम रहा, लेकिन उसके बाद वह प्रयास करता रहा। फाइनली वह फिर से जगा और 10 महीने तक चांद पर रहकर चांद की खोज किया था। यही नहीं, यह तो एक उदाहरण है। चीन का यूटूडो रोवर ने चांद पर इतिहास रचा था। जब चांद पर रात हो गई थी, चीन का भी रोवर स्लीप मोड में डाला गया था। उसके बाद जब चांद पर दोबारा दिन हुआ था, सूरज की रोशनी पड़ी थी। उसके बाद चीन ने उसे जगाने का प्रयास किया था तो वह भी पहले राउंड में नाकाम हो गया था। उसके बाद दूसरे राउंड में अथक प्रयास करने के बाद फिर से यूटूडो रोवर जगा था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा चंद्रयान 2 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर भी बहुत जल्द जागेगा और उससे हमें सिग्नल जरूर रिसीव होगा। बताया यह भी जा रहा है कि अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से जाग गया तो वह 14 दिन नहीं 1 साल तक काम करता रहेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, चांद की ओर से प्रज्ञान रोवर की तरफ से यह अपडेट आ गई है कि उसे सिग्नल बहुत जल्द रिसीव होने वाला है, क्योंकि वहां टेम्परेचर जितना चाहिए उतना हो चुका है। तो दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द इसरो से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का संपर्क हो जाए, सिग्नल इसरो के वैज्ञानिकों को रिसीव हो जाए। दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो सभी तक शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।